तो गाइस रेनबो देख सकते हो आप वहां पर। हाँ फिर आनी हो रही है और बोला ना फिर आनी हो रही है ये मम्मी की तरफ से उठ जा तो गाइस अभी फिर आनी हो रही है खड़ा सेंटर में तो लगाडू ये तो पर खाड़वा तो बंदर नाराज नहीं क्या खाड़े और मुझे साथ ही रहता है हां आज भी आ गए कह कह
ना बेण जी मजाक छुटे बस उस जी साहब नियन जी बहन जी तो सुनता देख लीजू मर तेरे बेटे बेटे किशन जी का और यो रोई त्रियो ना बोल में बोली गया तो फिर ते सेंटर में बढ़िया और आ सेंटर में आ रोई हां सेंटर में बैठा बैठी हुई देख रहा आज में हां आज में दे दिया मार म्यूटी रसोई आड़ी उड़ी रोटी सब्जी को जूम रहे थे तो गाइस सूरज पूजा वगैरह सब हो चुकी है और अब मतलब वो चूड़ा वगैरह पहनाते ना वो पहना दिया गया है क्योंकि लड्डू के टाइम पे तो प्रोग्राम किया था ना मतलब 20 दिन की हो गई थी लड्डू तब उसका जामना वगैरह का करवाया था तो उसके टाइम सूरज पूजा तो करी थी लेकिन इतना कुछ नहीं किया था तो इस बार एक साथ ही हो गया क्योंकि इस बार ये प्रोग्राम नहीं कर रहे जामने वगैरह का क्योंकि अभी लड्डू के भी क्या जड़ूले वगैरह है ना तो दोनों के जड़ूले उतारेंगे फिर वो प्रोग्राम एक साथ ही करेंगे हम क्योंकि अभी वैसे भी मतलब महीने तक तो वैसे भी मेरी भी तबीयत ठीक नहीं होगी तो जैसे ही 2-3 महीने बाद तबीयत ठीक हो जाएगी उसके बाद हम करेंगे प्रोग्राम क्योंकि लड्डू के टाइम पे मैं 20 दिन की थी तो मेरे को बाहर ही नहीं जाने दिया था किसी ने सब डांस कर रहे थे बढ़िया इंजॉय कर रहे थे मैं अकेले रूम में पड़ी थी तो मैंने सोचा कि इस बार बाद में ही करेंगे सारा प्रोग्राम ही जैसे मैं फ्री होंगी 2-3 महीने मैं रिकवर हो जाऊँगी उसके बाद सारा प्रोग्राम करेंगे लड्डू के भी जड़ूले बाल है और अब छोटी वाली गुड़िया की भी बाल जड़ूले है ना तो इस वजह से हम करेंगे 2-3 महीने बाद प्रोग्राम और अच्छे से हो गई ये सारी पूजा वगैरह मम्मी और भी आई थी मेरी मम्मी वो उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से वो ये वायरल चल रहा है तो एक के होने के बाद सभी को हो जाता है इस वजह से मेरी मम्मी 1-2 दिन बाद आएगी जैसे तबीयत वगैरह ठीक हो जाएगी उनकी तो वो आएंगे फिर 1-2 दिन बाद और आप सभी लोगों ने ढेर सारी बधाइयाँ दी तो आप सभी को ढेर सारा थैंक यू धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने बहुत ही दुआएं की थी मेरे लिए कि सब कुछ नॉर्मल हो तो सब कुछ नॉर्मल ही हुआ था और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि तू मतलब मेरी क्या थोड़ी ब्लीडिंग हो गई थी इस वजह से यूरिन बैग वगैरह लगाए थे डॉक्टर ने क्योंकि वो ब्लीडिंग हो रही थी ना इस वजह से खड़ी होने में दिक्कत होती फिर ज़्यादा दिक्कत हो सकती थी इस वजह से फिर
बैग वगैरह लगा दिया था। कमेंट्स आ रहे थे कि सर्जरी नहीं हुआ तो ये क्यों लगा रखा है ये वो, बस वही था। आज का ब्लॉग करते हैं यही पे एंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल फैमिली।